यह गौवंश था और इन लोगों ने इनके इंसानियत और मानवता चेहरा इन लोगों को जरा गौर करिए, असली गौभक्त यही है। ये गरीब हैं लेकिन दिल के बड़े अमीर हैं। उस जग गौवंश को मैं दिखाता हूँ जिसके कीड़े पड़े हुए हैं, बदबू मार रहा है, समाज का भी ध्यान रखा और इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पर खबर चली थी जिसमें संगठन के और अन्य लोगों की खबर को मद्देनज़र रखते हुए पद पर आसीन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी और घोड़े बंगले इनके नाम पर बनाए, लेकिन इनको भूल गए। और आखिरकार एक महीना पड़ा रहा, हम थोड़ा बात भी करेंगे इन लोगों से, तो वास्तव में इन लोगों ने एक मानवता दिखाई है, ज़रा गौर करिए। इतना ही नहीं, घर खोदा, उसका घर बनाया, जमींदोज करने के लिए कितनी मेहनत और लगन से बदबू मारते हुए जो हाथ लगाना नहीं चाहते थे और संगठन के पदाधिकारी मठाधीश लिए बैठे इनके नाम पर उगाही, वो देख देख कर निकल जाते थे और इसी चौराहे से रात और दिन निकलते थे। गाड़ी और घोड़ा बंगला बनाया उसके बावजूद भी ध्यान इंगित नहीं हुआ, और महलों भी बनाए उसके बावजूद ये आलम है। अब इन लोगों का दिल पसीजा, इनके पास ना कोई पद है ना कोई संगठन है। और ये थोड़ा बात करते हैं कि किस हालत में गौवंश था, कितने दिन से था पड़ा और कितनी मेहनत और लगन से उस गौवंश को श्रद्धांजलि दी, मिट्टी दी है, पेड़ की डारे भी लाए ताकि कोई कुत्ता या जानवर बिल्ली इसको खोद ना पाए। चैनल पे खबर चली थी, खबर को संज्ञान लिया इन लोगों ने और इसके पहले भी इसकी इमदाद की है इस गौवंश की। ये है ओरिजिनल और असली भक्त, जो ना कोई दिखावा है ना कोई कहीं कुछ है ना पद है ना कुछ है, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। कितनी मेहनत और लगन से गड्ढा खोदा, फिर उसके घर को बनाया, फिर उसको उसी में रखा। मिट्टी दे रहे लोग, अभी हम रूबरू कराएंगे इन लोगों की तस्वीरों से, इनसे चिरपरिचित भी कराएंगे आपको। और ये मारू भेड़ में दुकान करते हैं व्यापारी, एक पान की दुकान और एक मीठा की दुकान, बहुत ही सज्जन। और वास्तव में इस तस्वीर को देख करके बहुत ही मन लोगों का, जिन लोगों ने भी देखा उन लोगों ने सराहा, लेकिन चौराहे पर इतना दुकानें और इतने व्यापारी होते हुए भी किसी का ध्यान इंगित नहीं हुआ, ना तो किसी ने इसके बारे में ऐसा सोच रखी। लेकिन इन लोगों ने जो सोच दिखाई और एक मानवता और इंसानियत चेहरा दिखाया, वास्तव में काबिले तारीफ है। बेजुबान था और इसके साथ क्या इन लोगों ने कितनी अच्छाइयाँ की है वो शब्द नहीं है। कि वास्तव में हम तो अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए और लोगों से कामना करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का हौसला अफजाई ज़रूर करें और ऐसे समाज के सेवी और अच्छे व्यक्तित्व के धनी इनके परिवार के धन्य हैं माँ बाप, जिन्होंने इनको अपनी कोख से ऐसे विचारधारा के और धर्म अनुरागी सनातनी लोगों को जन्म दिया। बहुत ही धन्य हैं इनके माँ बाप और इनके पिता। देखो ये लड़का जुबेर है, क्या नाम है जुबेर आपका, क्या नाम बेटा? गणेश। इन बच्चों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है इनके सहयोग की। हम चैनल के साथ रूबरू कराते हैं, ये गौवंश कहाँ पे था और कितने दिन से पड़ा था और किस हालत में, कैसे चोट खाया था, कैसे क्या हुआ, बड़े बड़े कीड़े पड़े थे। ये एक महीना हो गया है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, से मोटर वाले ने ठोका था। अच्छा, उसका पैर टूट गया था। हम लोगों ने डॉक्टर बुलाया इलाज करवाया उससे, उसके बाद इलाज करवाने भी किए, कोशिश किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दवाई पानी खिलाया इसको, एक महीना तक जीप पे रखे, नहीं बचा पाया, उसके बाद में देहांत हो गया उसका। एक महीना बाद के पास कोई संगठन कोई पदाधिकारी तो है नहीं, 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 नहीं कोई संगठन के हैं, कोई नहीं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग दुकान किए हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका? पुनीत। घर कहाँ है आप लोगों का? गौलो कोडर। अच्छा, जगदीशपुर में। देखने नहीं आया, संगठन आए हैं, मकान बने, हर चीज बना हुआ है, तब यहाँ कुछ देखने नहीं आया, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इनके नाम पर घर उगलाही कर चुके हैं और गाड़ी बंगला भी बना चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन है, कोई देखने कभी नहीं कुछ करा, कुछ देखते भी नहीं, कोई लोग किसी ने नहीं देखा। जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया कि विभिन्न संगठन संचालित हैं, पदाधिकारी पदों पर आसीन हैं, जिनके नाम पर तमाम उगाही और धन भी किया इनको अगवा करके ले और सत्ता में भी पहुँचे। उसके बाद वो कुछ चुनिंदा संगठन भी देख देख करके लौट गए और यहाँ इनकी नज़रें इनकी इनायत नहीं हुई, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारे चैनल के मुताबिक। धन्य हैं ऐसे महान लोग और हस्तियों को नमन करता हूँ। गौभक्त
न पद है इनके पास, न तो कोई संगठन है, लेकिन फिर भी इनका दिल कितना दिल दरिया है कि ये गौवंश के लिए घर बना रहे हैं, और किस कदर से लगन और मेहनत से कि उसको कहीं ज़मीन में फेंका न जाए और उसको घर बना करके और उसको जमींदोज किया जाए। इस कदर से उसके शरीर का ही नहीं समाज का भी ध्यान रखा कि कहीं बीमारी भी न फैल पाए। ये हैं असली गौभक्त, और हम दिखाएंगे अभी आगे तस्वीरों में किस हालत में वो पड़ा था। करीब एक माह तक कराहता रहा, इन लोगों ने उसको खाना पानी भोजन तक दिया, और फिर आज उसके प्राण निकल गए, लेकिन किसी संगठन हिंदुत्व के पदाधिकारियों का ध्यान इंगित नहीं।